समझना, लोक की वासना तो इनकी खत्म हो गई, लोक का मोह छूट गया, लोक की वासना छूट गई, अब क्या बचा है? बोले परलोक की वासना और परलोक का मोह अगर बचा रहेगा तब भी भगवान नहीं मिलते, जान लेना। लोक परलोक दोनों से जो व्यक्ति विरक्त हो जाए, इसी को योग मार्ग में कहा गया इहा मूत्र फल भोग विराग। इहा मूत्र फल भोग विराग, वैराग्य क्या है? इह माने इस संसार में, अमूत्र माने परलोक में, दोनों जगह के सुख भोगादि से जिसको विरक्ति हो जाए उसको कहते हैं वैराग्य संपन्न। वैराग्य खाली नाम के आगे वैरागी लिखने से कोई वैरागी नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है इहा मूत्र फल भोग विराग, यहाँ और परलोक, परलोक में भी मरने के बाद हमको स्वर्ग मिले, ब्रह्मलोक मिले, पितृलोक में हमको उत्तम गति मिले, ये सब भावनाएं भी छूट जाएं, लोक परलोक दोनों की चिंता से मुक्त हो जाएं, तो इहा मूत्र फल भोग विराग। तो संसार के लोक में उनको कुछ नहीं चाहिए, गोपियों को। भगवान ने सोचा कहीं परलोक की वासना हो तो उसका भी परीक्षण कर लिया जाए, उसकी भी जाँच हो जाए। तब भगवान ने कहा देखो तुम स्त्री हो और स्त्री का धर्म क्या है? कितना घुमा करके भगवान कहते हैं परलोक की प्राप्ति धर्म से होती है, परलोक में जो सुख मिलता है वो धर्म के कारण होता है, और अपने अपने धर्म का व्यक्ति पालन करता है तो परलोक में उसे उत्तम गति मिलती है। तो भगवान गोपियों से कहते हैं अरे सखी तुम स्त्री हो और स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। भर्तुः शुश्रूषणम् स्त्रीणाम् परो धर्मो ह्यमायया, स्त्री के लिए अपने पति की सेवा करना यही परम धर्म है, और उसका पति कैसा भी क्यों न हो। हाँ, ये भी भगवान ने कहा। लोग कहते हैं महाराज हम पति की सेवा करें लेकिन पति दुष्ट हो, रोज शराब पीता हो, रोज डंडा मारता हो, तब क्या करी? तो भाई अब भगवान तो यही कहते हैं कैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। हम भगवान की बात कर रहे हैं, बाकी हम तो झगड़ा नहीं निपटा पाएंगे, संसार का झगड़ा इसी चलता रहेगा। लेकिन ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ। ठाकुर जी उन गोपियों से कहते हैं देखो पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, तुम्हारा पति दुस्सील हो, दुस्सील का मतलब सील रहित हो, अंडबंड बोलता हो, हैं दुर्भगो दुर्भाग्यशाली हो, दरिद्र हो, उसके जीवन में सौभाग्य न हो, वृद्धो बूढ़ा हो, जड़ो माने मूर्ख हो, और रोग्य रोगी हो, अधनो पिवा दरिद्र भी क्यों न हो, पति ही स्त्री फिर नहातव्य, स्त्री को अपने पति का कभी त्याग नहीं करना, चाहे रोगी हो, बीमार हो, अपाहिज हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो पति एक बार मिल गया उस पति के साथ जीवन निर्वाह कर लेना, यही नारी का परम धर्म है।